आपको मालूम है कि मोदी जी अमेरिका में हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो दुनिया, मैंने अगले दिन आपके सेगमेंट में ही कहा था कि दुनिया आपका पड़ोसी सेमीकंडक्टर जो है उनकी तरफ है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात भी हुई, क्लीन एनर्जी की, फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक, जो कि इंडिया के कल्चर से 4000 साल पुराना, उनको इंडिया ने वापस लिया है। ऐसे ही है, जब इंसान किसी के बराबर में खड़ा होता है ना, तो जब टक्कर वाला इंसान हो तो वो ये बात कर सकता है। अभी यही होता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चीज मांगता तो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिफरेंट ममालिक के दौरे पे, और वो वहाँ एक मकसद के तहत जाते हैं कि अपने मुल्क में नई नई इन्वेस्टमेंट लेकर आए। अभी उन्होंने एक अहद किया है अपने मुल्क के साथ कि वो अपने मुल्क को जो है सेमी कंडक्टर का हब बनाएंगे। हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों में जाके बात करें कि भाई आओ और हमारे मुल्क में आके फैक्ट्रीज लगाओ ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। उन्होंने साथ बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन है। सिर्फ और सिर्फ कल्चर नहीं था, ये हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है ना, ये वो है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीगन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा और प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने की काफ़ी चर्चा है, और साथ ही साथ वहां से दो खबरें ऐसे निकली हैं जिसे कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इस एक दौरे से भूत और भविष्य को एक साथ मिला दिया है। जो बीता हुआ कल है और आने वाला कल है, दोनों को एक साथ मिला दिया है। वो इस सेंस में कि एक तरफ जहाँ पे मोदी जी की अमेरिका की इस यात्रा के दौरान अमेरिका भारत का जो पुराने एंसेट यानी प्राचीन काल के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं इंडियन कल्चर की हैं, उनको अमेरिका वापस दे रहा है भारत को। तो उसी के साथ साथ जो दूसरी खबर है कि अमेरिका अब इंडिया के साथ मिलकर के इंडिया के अंदर ही सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। इन दोनों खबरों को देखें तो जहां पर एक तरफ जो पहली खबर है वह भारत के इतिहास का, भारत का बीते हुए कल उनको डिपिक्ट करता है, तो वहीं पर जो दूसरी खबर है सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दुनिया का जो फ्यूचर है वह सेमीकंडक्टर पर ही आधारित होना है। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, चाहे आपके टीवी, फ्रिज, पंखे क्यों ना हो, आने वाले जितने भी फ्यूचर के इक्विपमेंट्स होंगे, सभी में सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाइडन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है, और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है दैट विल प्रोड्यूस चिप्स फॉर यूज इन मिलिट्री हार्डवेयर इन बोथ कंट्रीज, यानी अमेरिका और यूएस की आर्म्ड फोर्सेस जो चिप्स इस्तेमाल करेंगी वो इंडिया में बनेंगी। अब इंडिया सिर्फ अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इंडिया उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज का चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टारिका, केनिया, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम, और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। अब इसके अंदर सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये बात की जा रही है कि कुछ ही सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट $80 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है कि मोदी साहब तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो ये बात कर चुके हैं कि हाँ, हम बनना चाहते हैं दुनिया का सेमीकंडक्टर हब। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आजम हैं, वो इंडिया को
सिविलाइजेशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ग्लोबली जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक, जिसे आप कह लें कि जो आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं, जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीजें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था, कहा जाता है कि 2000 BCE, और उन सारी चीजों को इंडिया ने वापस जो है ये तमाम आर्कियोलॉजिकल जो पीस थे उनको इंडिया ने वापस लिया है। 297 टोटल है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स, और इंडिया के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। इन दोनों ने बहुत ज्यादा काम किया और इस हवाले से तकरीबन ये 300 के करीब जो एंटीक चीजें थी जिनको कहा जाता है कि इंडिया से चुरा लिया गया था, एंड इट वाज ट्रैफिक्ड फ्रॉम इंडिया। इट मींस कि इंडिया के कुछ लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे चोरी में, मतलब जैसे आपको पता है हमारे चीजें होती हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया ये चीजें बरतानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब विल्मिंगटन डेलावेयर, जहां पे बाइडेन साहब ने बड़ा वेलकम शेलकम किया है, और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस करने में नरेंद्र मोदी बड़ा, और नरेंद्र मोदी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल और मटीरियल कल्चर नहीं था, ये हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है ना, ये हो है। एंड दिस डिपिक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया, जिसमें कहा जाता है कि असपारा एक सैंडस्टोन है, सेंट्रल इंडिया से था, एक जैन तीर्थंकर था जो कि ब्रोंज में था, वो भी सेंट्रल इंडिया से था, एक ताराकोटा था, वास था, वो फ्रॉम ईस्ट इंडिया से था, 3rd-4th century से उसका ताल्लुक था, और इसी तरह लॉर्ड गणेश की एक ब्रोंज में थी मूर्ति थी, एक स्टैंडिंग लॉर्ड बुद्धा थे, एक लॉर्ड विष्णु की ब्रोंज की मूर्ति थी आई थिंक, और इसी तरह लॉर्ड कृष्णा की एक ब्रोंज की मूर्ति थी जो कि साउथ ऑफ इंडिया से चुराई गई थी। सो इंडिया वांट्स टू रिवाइव अ कल्चर एंड हिस्ट्री विच नरेंद्र मोदी बिलीव्स, ठीक है जी, जो मेरे मैंडेट, जो मेरी पॉलिटिक्स, जो मेरे मजहब के हवाले से। सो एट टाइम्स ये जो क्वेश्चन लोग इंडिया से करते हैं कि भाई आप जो है वो जब इस तरह की चीजें करते हो तो एक चीज ध्यान में रखो कि इट्स नॉट जस्ट एक मजहब को सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, तमाम मजहब को की टेक ओवर करो, बेहतर ये एक चीज है। लेकिन ये एक माइंड सेट जो इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर, और देखें नरेंद्र मोदी जो है ना, आई हैड अ ओपिनियन दैट नरेंद्र मोदी वांट्स टू लीव अ लेगेसी, वो इस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल पार्ट। वो कहते हैं कि जी हमें 1947 से ना देखा जाए, दिस इज वॉट बेसिकली नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग ऑल अबाउट।